नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच करना। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो सिविल स्कोर है और जो आपका एक्सपीरियन का जो सिविल स्कोर होता है और जो civil.com का होता है स्कोर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब किसी में अगर हो जाता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। बैंक और कंपनी किस में फायर करती है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप paisabazaar.com, bankbazaar.com या सिविल स्कोर के ऑफिशियल साइट पे, या दोस्तों आप पेटीएम में या वन स्कोर के ऐप में, दोस्तों आप तरह तरह जगह चेक करते हो अपने सिविल स्कोर को, वहां पे दोस्तों आपको एक 3 से 4 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, एक तो सिविल स्कोर और दूसरा आपका एक्सपीरियन। दोस्तों ये 2 चीजें आपको दिखती है जब आप यहाँ पे एक्सपीरियन पे क्लिक करते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है बहुत ज्यादा शो करता है, 750, 800, 830, 730, 740, 720। दोस्तों यहाँ पे आपका एक्सपीरियन में आपका तरह तरह का रिपोर्ट चेक करता है, शो करता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ गई सिविल की। दोस्तों यहाँ पे सिविल पे अगर आप चेक करते हो तो दोस्तों आपका सिविल में हमेशा दोस्तों आपका कम दिखता है और आपका एक्सपीरियन में दोस्तों आपका अधिक दिखता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग परेशान रहते हो कि आखिर दोनों का चक्कर क्या है, मेरा यहाँ पे इतना शो कर रहा है और एक्सपीरियन में इतना बता रहा है, आखिरकार मैं क्या करूं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छे से मैं समझा दूं। दोस्तों जो ये जो कंपनी है एक्सपीरियन और सिविल, दोस्तों ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। दोस्तों आपका जो बैंक और कंपनी से आप जो लोन करवाते हो, दोस्तों कंपनी और बैंक दोस्तों इसमें क्या करती है कि आपका दोस्तों सिविल में रिपोर्ट करती है और दोस्तों आपका एक्सपीरियन में आपका दोनों में से रिपोर्ट होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका अगर आप लोन अप्लाई करते हो या किसी कंपनी किसी बैंक से, तो यहाँ पे आपका दोनों कंपनी में काउंटिंग किया जाता है कि आपका किस कंपनी में आपका रिपोर्ट अच्छा है और आपका कहाँ ब्यौरा अच्छा दिया गया है। बड़ो अक्सर जो है कंपनियां और बैंक जो है एक्सपीरियंस का जो सिविल स्कोर चेक करती है और उसी के आधार पे आपको लोन देती है। तो इनका लर्निंग मशीन ऑटोमेटिक होता है। अगर दोस्तों आप जब लोन अप्लाई करते हो, उनका सिस्टम ऑटोमेटिक सिविल स्कोर फेच करके आपको लोन का ऑफर दे देता है। अगर आपको दोस्तों लोन अगर आपका डिक्लाइन होना रहेगा तो ऑटोमेटिक वहां पे हो जाएगा और आपका मैसेज भी आ जाएगा। बस अगर आप ये सोचते हो कि मेरा जो सिविल स्कोर है ये अलग है और एक्सपीरियंस का मेरा सिविल स्कोर अलग है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये दोनों कंपनियां अलग अलग हैं और आपके ब्यौरा और आपके रिकॉर्ड को दोस्तों अलग अलग तरीके से मेंटेन करती है, रखती है। दोस्तों तो आप ये चीज अपने मन में मत रखिए। और अगर आप ये सोचते हो कि मेरा इसमें कम है और उसमें ज्यादा है तो मुझे लोन नहीं मिलेगा, तो हमेशा दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस का होता है इसमें दोस्तों आपका हमेशा अधिक बताएगा दोस्तों, और आपका सिविल आपका कम बताएगा। सिविल जो दोस्तों होता है एक अलग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और आपका जो एक्सपीरियंस है ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो सारी चीजें रहती है, वहां पे आपका कितना लोन चल रहा है, कितना आपने लोन लिया है, कितना आपका स्कोर है, कौन सा आपका स्कोर है, वहां पे आपका सब कुछ बताया जाता है। तो आप इस बात को लेकर टेंशन मत लेना। और आपका जो लोन है दोस्तों, अगर इसमें से कंपनी और बैंक अगर आपका सिविल में या एक्सपीरियंस में अगर फायर करती है या आपको रिपोर्ट में अगर डाल देती है निगेटिव, तो आपको दोस्तों लोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर दोस्तों आपका एक्सपीरियंस में अगर आपका हाई है दोस्तों, अगर आपका स्कोर और सिविल में थोड़ा कम है दोस्तों, तब भी आपको लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सिविल में दोस्तों आपका स्कोर 730 के ऊपर होना चाहिए। मैं सिविल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका सिविल में 730 के ऊपर दोस्तों है और अगर आपका एक्सपीरियंस में दोस्तों अगर आपका 750 के समथिंग अगर दोस्तों है, तो दोस्तों आपको लोन 100% मिलेगा। बट आपका इनकम प्रूफ भी थोड़ा जरूरी है और आपका रिकॉर्ड भी बैंक से अच्छा होना चाहिए, तो आपको लोन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपको लोन मिलेगा। बट जो आपके मन में ख्याल है कि अगर मेरा सिविल स्कोर दोनों में कम है, मान लो अगर आपका सिविल में आपका 700 के नीचे है या आपका अगर एक्सपीरियंस में 700 के नीचे है, तो आपका सिविल खराब हो चुका है, आपको लोन नहीं मिलेगा। बट अगर बैंक से आपका रिकॉर्ड अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो आपको लोन तभी मिल सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, बैंक आपका रिकॉर्ड भी चेक करती है और सिविल और ब्यौरा भी आपका चेक करती है। तो सर आप लोग समझ चुके होंगे, ये जो दोनों कंपनियां हैं दोस्तों अलग अलग हैं, ये अलग अलग टाइप की काम करती हैं और आपकी रिपोर्ट को
ये मेंटेन करती है और चेक करके ब्यौरा देती है दोस्तों, और आपके सारे रिकॉर्ड इनके पास रहते हैं। यही है दोस्तों सिविल में और एक्सपीरियंस में दोनों का डिफरेंस जो मैं आपको शेयर कर दिया हूं। दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगर आपका दोस्तों सिविल में या एक्सपीरियंस में अगर आपका 700 के नीचे अगर हो चुका है, तो फिर दोस्तों अगर मान लो किसी कंपनी ने आप अगर रिपोर्ट खराब किया है तो आपको RBI को दोस्तों आपको ईमेल करना होगा। दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपको अगर कोई दिक्कत होता है या आपका सिविल खराब होता है तो आपको RBI आपका सपोर्ट करेगा। अगर आपने कंपनी का पैसा टाइमली पेमेंट किया है, आपको NOC रिसीव हो गया है, तो दोस्तों आप जो है क्या करना कि NOC ईमेल आईडी में डाल के आप RBI को ईमेल कर देना, और दोस्तों आपका जो स्कोर है 101% आपका सही होगा, दोस्तों आपका सपोर्ट होगा। और आप एक्सपीरियंस को और सिविल को दोनों को रिपोर्ट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, आपका जरूर हेल्प होगा। शायद मैं आपको बता दिया, समझा दिया। बट दोस्तों आप जो है किसी साइट पे दोस्तों आप बार बार अपना सिविल स्कोर मत चेक करना, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक ये लोग ऑफर चेक करते रहते हैं और अप्लाई भी करते रहते, आपका सिविल में दिक्कत आ सकता है। ध्यान देना, आप दोस्तों बार बार अपना सिविल चेक मत करना, क्योंकि आपका ये 90 दिन के अंदर आपका काउंटिंग होता है और ये ऑटोमेटिक आपको सारी चीज आपको दिखाई देती है। तो आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, अगर दोस्तों आपका 700, 750 या इसके ऊपर है तो आपको लोन जरूर मिलेगा। डरना मत दोस्तों, अगर खराब हुआ है तो मैंने आपको पूरा ब्यौरा बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।